आउटबोर्ड मोटर, क्या नाम है? आउटबोर्ड मोटर। आउटबोर्ड मोटर, अब इसका काम बताए थे, इसका काम क्या है? जल मार्ग के दौरान अपने कामों में गति लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जल मार्ग में रेस्क्यू के दौरान अपने कामों में गति लाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कौन सी कंपनी का है? सुजुकी। आपका इसका मॉडल नंबर दिखाया होगा, बताया होगा, मॉडल नंबर क्या था? DF-30A, ठीक है, इसमें लिखा होगा भी कहीं है? देखो यहाँ लिखा DF-30A, सुजुकी DF-30A, मॉडल नंबर लिखा है, इसका नंबर भी लिखा है, 36 नंबर, DF-30A, ठीक है। क्या नाम हो गया? अब इसका काम भी बता दिया, अब इसका बताते हैं, इसके बारे में पूरा डाटा बताते हैं। पहले हम इस OBM को तीन भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। पहला ऊपर बांटते हैं पावर यूनिट, जो हमारा ये देख रहे हैं उस्ताद, यहाँ से ऊपर ये खुलता है ना, यहाँ से ऊपर वाली भाग, यहाँ से ऊपर वाली भाग कौन सा हो गया? पावर यूनिट, यानी जिसका इसका पूरा पावर कहाँ है? इसी में। उसके बाद आ गया यहाँ से लेकर के इस जॉइंट तक मिडिल यूनिट, कहाँ? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्या हो गया? मिडिल यूनिट। अब यहाँ से लेकर के नीचे तक के क्या हो गया? टेल यूनिट। क्या हुआ? टेल यूनिट, समझ गए? कितने भागों में बांटा है इसको? तीन भागों। पहला क्या है? पावर यूनिट, मिडिल यूनिट, टेल यूनिट, ठीक है। क्या मेरा चल रहा है? अब इसका बताते हैं, नाम बताते जाते हैं, आप सुनते जाना, ठीक है। नाम अभी मेरे को नया है, मेरे को भी उतना मालूम नहीं है, पुराने वालों पूछो तो पूरे नाम मालूम है। पहले इसमें आ जाते हैं, तो पहले क्या ऊपर वाला क्या हो गया है? जो बॉडी मोटर कवर, मोटर कवर, क्या नाम इसका? मोटर कवर। रेस्क्यू के दौरान वो वाला बोट पानी में बिना मोटर कवर के चलाते थे, क्योंकि हमारा मोटर गर्म हो जाए तो ठंडा बाहर से हवा शोषित करेगा तो ठंडा रहेगा, मगर इस OBM में बिना मोटर कवर को OBM चलाना नहीं है, क्योंकि जो एयर सक करता है वो कहाँ दे दिया? इसका ऊपर दे दिया है, ठीक है। अभी खोल के दिखा देंगे क्यों नहीं चलाते हैं। वो वाला था, वो साइड में था, पानी सक नहीं करता था, ये ऊपर गए, जहाँ सा बूंद पानी जाएगा सक कर लेगा, इसको खोल कर नहीं चलाएंगे। ये क्या हो गया? मोटर कवर। उसके बाद ये आ जाते हैं स्टार्टिंग कोड, स्टार्टर कोड, स्टार्टिंग कोड बोल सकते हैं, स्टार्टिंग ग्रिप भी बोल सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग कोड या स्टार्टिंग ग्रिप, ठीक है। फिर दूसरा भाग आ जाता है इसको टॉप, अति पावर यूनिट लॉक, पावर यूनिट लॉक, टॉप कोयल लॉक बोलते थे इसको, टॉप कोयल ही बोलते थे पुराने वाले में, भाई पावर पावर कवर, मोटर कवर लॉक, ये क्या करता है? लॉक करता है, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग आ गया, अब चलो इधर आ जाओ, ये हमारा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? टोटल, ये क्या हो गया? टोटल, क्या आया है? पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? ये टोटल, ये हो गया टोटल ग्रिप, टोटल या टोटल कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? टोटल ग्रिप या टोटल कंट्रोलर। उसके बाद आइए, इसको बोलते हैं लाइन यार्ड स्विच, इसको क्या बोलते हैं? लाइन यार्ड स्विच। इसका काम क्या है? रेस्क्यूअर जब भी बोट हैंडलिंग करेगा तो उसको क्या करेगा? इस प्रकार से हाथ में पहन लेगा, ठीक है, इस प्रकार से पहन लेगा, पहनने के बाद ही उसके हाथ में रहेगा। अगर रेस्क्यूअर को कहीं चक्कर आता है, गिर जाता है, तो क्या हो जाएगा? एक खींच जाएगा, ये बोट बंद हो जाएगी। ये क्या है? लाइन यार्ड स्विच, लाइन यार्ड हो गया, लाइन यार्ड स्विच, स्विच नहीं बोल सकते, स्विच तो हो गया, क्लिप बोल सकते हैं। अगर ये गुम हो जाता है तो इस प्रकार से लकड़ी का भी आप बना करके इसको यूज कर सकते हो।
इस प्रकार से लकड़ी को बना दो और लगा दो, ठीक है। ये दो देता है, एक खोल करके स्टोर में इनको चाहिए अपने पास रखने का, गुम भी हो सकता है, छोटा सा आइटम है, ठीक है, समझ गए। देखो तो ये इसका क्या है, स्विच, कौन सा स्विच, ऑफ स्विच, हाँ ठीक है। क्या है नाम इसका, ऑफ स्विच, ऑफ स्विच, इससे ऑफ होता है, ऑन नहीं होता है इसे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है इसको, इसका नाम क्या है, शिफ्ट लीवर, इसका नाम क्या है, शिफ्ट लीवर, शिफ्ट लीवर। इसका तीन पोजीशन है, पहला फॉरवर्ड, नीचे आ गया, क्या हो गया, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर बढ़ेगा, कहा नीचे कर दोगे तो क्या होगा, आगे बढ़ोगे। न्यूट्रल, जहां हम इसको ओवीएम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहां से हम ओवीएम को स्टार्ट करते हैं या रोकना रहता है तो क्या करते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में करते हैं। तीसरा क्या हो गया, रिवर्स, अगर आपको कोई खतरा आ जाता है, ब्रेक लगाना है तो पीछे जाना है तो रिवर्स करना है, ठीक, पूरा आगे। आपको ये लिखा है, निकल भी जाता है, चिपका हुआ निकल जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। नीचे वाला क्या हो गया, फॉरवर्ड, बीच में क्या हो गया, न्यूट्रल, आगे क्या हो गया, रिवर्स, ठीक है। कभी भी कोड खींचना है तो न्यूट्रल में खींचोगे, नहीं तो फॉरवर्ड में खींचोगे तो क्या हो जाएगा, इसका कोड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, खींचेगा नहीं, खींचेगा ताकत से खींच जाएगा मगर टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया होगा कहीं, ये थ्रोटल कंट्रोलर, ये क्या है, थ्रोटल कंट्रोलर, इसका काम क्या है, रेस्क्यू को ऑपरेशन के दौरान जही हम तालाब में चल रहे हैं, लंबा जाना होगा क्या, लंबा सफर जाना होगा तो रेस्क्यूअर क्या होगा, अपना रिहाज को रिलैक्स देने के लिए इसको क्या करेगा, स्पीड को फिक्स कर देगा, स्पीड को हम फिक्स कर देंगे, देखो यहीं पे स्पीड फिक्स हो गया तो सीधा स्पीड उसी स्पीड में चलता चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, टोटल कंट्रोल ग्रिप कंट्रोलर, ठीक है, छूटेगा नाम तो पूछते जाना, ठीक है, मेरे को भूल जाएगा। उसके बाद एक फ्यूल कनेक्टर एडाप्टर, क्या है, फ्यूल कनेक्टर, फ्यूल कनेक्टर, यहाँ से क्या करते हैं, फ्यूल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्यूल को कनेक्ट करेंगे, किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, जो लॉक है इस लॉक को क्या करेंगे, पुश करते हुए, ठीक है, ये लगने के बाद छोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद अगर निकालना होगा तो फिर दबा के निकाल देंगे, ठीक है, इसको फिर दबाना पड़ेगा ना फ्यूल डालने के लिए, हाँ वो बात बताते हैं, पहले इसमें चल लेते हैं। उसके बाद आता है मास्क लगा लो, बोलो कौशल लैम्प, एक बार मास्क लगाने के लिए फोटो खींच, इसको बोलते हैं कौशल लैम्प, ठीक है। इसमें तीन प्रकार, 1 2 3 है ना, 3, तो इसमें क्या करता है कि आपको तीनों आपको लिखाया गया था, पहला क्या है, टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर को दर्शाता है, दूसरा क्या है, आयल, और तीसरा क्या है, इंजन, इंजन। तो ये मिनिमम आपको 3 सेकंड तक जल करके बंद हो जाता है तो हमारा ओवीएम क्या है, ठीक है। अगर वो कंटिन्यू जलता है 3 से 4 मिनट तक तो ओवीएम में क्या त्रुटियां होगी, या तो मोबाइल खत्म होगा और अलग प्रकार की त्रुटियां है कि आगे आ जा करके वो ज़्यादा बड़ा त्रुटियाँ बन जाए, तो इसीलिए ये बीप को देखना है कि 3 मिनट 4 मिनट तक कंटिन्यू तो जल नहीं रहा है। उसमें क्या था कि पुरानी वाले में वो बीप जलता था ना तो आवाज़ आता था, सीख की आवाज़ आता था, तो व्यक्ति जो रेस्क्यूअर था उसको ध्यान चला जाता था कि हमारा ओवीएम से क्या आवाज़ आ रहा है, मगर इसमें क्या है, सीसी का आवाज़ नहीं आता है, पुराने वाले में सीख का आवाज़ आता था, सिटी जैसा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे दिया है, देखो ये क्या दिया है, इलेक्ट्रिक स्टार्टर, यहाँ इलेक्ट्रिक कोड, इलेक्ट्रिक से भी बैटरी से, डीसी बैटरी से भी स्टार्ट होता है, ठीक है,
12 वोल्ट हाँ चालू हो जाएगा ना, चालू करना है सेल्फ, सिर्फ ये क्या है ना सेल्फ करना है, इसमें क्या करना है यहाँ यहाँ कनेक्ट करना है, ये सेल्फ है हाँ सेल्फ सिस्टम भी है, मगर हमारे पास वो बैटरी कहीं अवेलेबल मिलता नहीं है। ठीक है क्या बस दूर दिख नहीं रहा ना लोगों दिख हाँ मैं बताया ना आप इसको अभी इसको टाइट कर दिए हैं, देखो टाइट हो गया है, ठीक है। उसके बाद अभी ऊपर में चले जाते, ऊपर का भाग छूट गया, कहीं छूटा ऊपर से नहीं छूटा, छूटा होगा तो बताना मैं बताऊंगा। इधर भी न्यूट्रल है ना, नहीं वाला है एक नया भी है 30 HP का, ये 30 HP का हो 25 HP का OVM है। ठीक है अभी हम नीचे चल, नीचे वाली भाग में चलते हैं। इसको बोलते हैं क्लैंप ब्रैकेट, क्या वो इसको बोलते हैं क्लैंप ब्रैकेट, जो है पूरा एक ब्रैकेट आता है ना जो ऊपर आ जाता है ब्रैकेट, जब हम लोग ओवीएम में इसके क्या करते हैं बोट में कसते हैं तो इसको क्या करते हैं क्लैंप ब्रैकेट को क्या करते हैं सीधा करते हैं, तभी तो कसाएगा पूरा, ये क्या हो गया क्लैंप ब्रैकेट, ये पूरा हिस्सा ही क्लैंप ब्रैकेट है। हाँ ये पूरा नीचे का पोर्शन पूरा, एक क्लैंप ब्रैकेट स्क्रू, क्या ये क्लैंप ब्रैकेट स्क्रू, इससे हमें टाइट होता है। उसके बाद यहाँ टिल्ट पिन, एक क्या बोलते हैं इसको टिल्ट पिन, इसके मदद से हम क्या करते हैं ओबीएम को ऊपर नीचे करते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा नीचे, यहाँ देखो एरो दिया हुआ है, यहाँ देखना इसको नीचे करोगे तो हमारा क्या होगा नीचे जाएगा। ठीक है जब भी हम रेसू के दौरान चलाते हैं तो क्या है नीचे रहेगा, ऊपर करोगे तो रिवर्स लोगे तो क्या ओबीएम उठा करके फेंक देगा, ये नीचे रहेगा थोड़ा घुमा के एग्जाम एडजस्टर लाने वाले में दूसरा नाम था इसका ट्रांजियम एडजस्टर, स्टार्टिंग ट्रांजियम एडजस्टर। एक इसका काम क्या है कि जब हम पानी में सीधा चलना है तो इसको क्या करते हैं इसको ला करके यहाँ पे, मगर ये खराब हो गया ये छोड़ देता है, ये दो चार बार काम करता है लॉक छोड़ दिया, अब ये इसका काम खत्म। इसका काम क्या है कि हम सीधा चलना है तो हमें छोड़ देंगे और चलता रहेगा बोट सीधा रहेगा, इधर उधर मुड़ेगा ही नहीं पे हाँ। यानी हाँ, इसको जो है ना लॉक कर देता है हाँ, जो मूवमेंट इसका होता है इसको ये लॉक कर देता है। खराब है क्या, ये खराब हो गया था जैसे हम लोग गाड़ी में एक बार एस्केलेटर ले लेते हैं तो फेंका जाता है, इसमें भी ऐसा सिस्टम है क्या? नहीं फेंकाओगे नहीं, एकाएक लोगे तो फेंकाओगे, वो तो स्वाभाविक है कि एकाएक आप स्थिर हो एकाएक गति लोगे तो फेंकाओगे, ये भी फेंक देगा, ये भी फेंक देगा, मगर कुछ पलटेगा नहीं पानी में, फेंका जाओगे अगर जो बंदा बैठा रहेगा ना वो गिर जाएगा नीचे, तो उसको समय स्टार्ट जब इसको इसमें क्या है नई वाली में एक्सीलेटर बहुत तेज है इस समय क्या करना है एक ग्रिप है ना एक थ्रोटल पे आधा हाथ रखना है, आधा हाथ कहाँ रखना है थ्रोटल पे रखना, आधा हाथ कहाँ रखना है ग्रिप पे रखना है। तो क्या करेंगे एक्सीलेटर देंगे ना तो क्या होगा हमारा हाथ का जजमेंट बना रहेगा, नहीं तो ऐसे कहेगा ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा हाथ जब दुर्घटना होती है तो, और पुराने वाले में आगे की तरफ है नाम है ये तो हम इधर बैठते हैं या इधर बैठते हैं हाँ वो बताएंगे आपको, बताएंगे पुराना वाला में आगे की तरफ है आपको जो हाथ सही लगता है जैसे होता है नहीं नहीं सब में इधर ही सब में दोनों में आपका इसका है अपोजिट है, उल्टा पकड़ अपोजिट है तो क्या करना है उस समय क्या करना है इस ओवीएम को क्या करना है आधा क्या रखना है हाथ छोटे पे रखना है, आधा क्या रखना है ग्रिप पे रखना है, इस प्रकार से चलने लगना है ताकि आपका हाथ का जो बैलेंस है ना बना रहेगा, इधर आपका कुछ होता है फिर भी हो पेट है कभी भी इसमें करोगे ना आप चला के देखना ऐसे करोगे ना तो एकाएक हो जाएगा झटका लग जाएगा, इस पर रखोगे दोनों हाथ ना इस पर भी आधा रखोगे इस पर भी आधा रखोगे ना तो आपका क्या करोगे हाथ का ग्रिप बना रहेगा। फिर आ जाओ नीचे डीप एडजस्टर रोड रॉड, डीप एडजस्टर रॉड, ठीक है
इसका काम क्या है, हमें पानी की गहराई कम है तो उसको इसके मदद से हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमको पानी की गहराई कम है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ लगा देंगे। अगर ज़्यादा है तो हम नीचे रखेंगे ओबीएम को पानी में, करंट पानी में जितना पॉपुलर नीचे रहेगा उतना बढ़िया हमारा चले काम करेगा, ठीक है। ओबीएम को पानी में बहाव करके ले जाएगा नहीं, हमारा ओबीएम क्या होगा, अच्छे से चलेगा उसमें, जब कर चलेगा, ठीक है। तो जितना हो गहराई पानी है तो पूरा जाने देना। मतलब गहराई में ही वाला निकाल देना है ये। इससे क्या होता है, पानी जब भी हम रेस्क्यू काम में करते हैं तो पायलट हॉल देखते हैं इससे पानी निकल रहा है नहीं, आपको लिखाए होंगे तर्तीबाई में, कूलिंग करने तो पायलट हॉल को देखना है, हाँ पानी यहाँ से निकलता रहेगा। नहीं नहीं, इंजन को चलेंगे चलाएंगे ना कूलिंग करने के लिए, फिर अभी नए वाला ओवीए में क्या दे दिया है, इंजन ड्रेन प्लग, इंजन आई ड्रेन प्लग, इंजन फ्लश प्लग, क्या है फ्लश प्लग, फ्लश प्लग कहाँ है, ये है, इसको खोलेंगे। अगर हम रेस्क्यू करके आते हैं, अगर पानी हम गंदे पानी में चलाए हैं तो ओबीएम को क्या करना है, साफ करना है, ताकि इसमें कोई कचरा उचरा होगा तो बाहर फेंक देगा, तो इसको क्या है फ्लश प्लग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, ओबीएम से अपना नल से पाइप लाते हैं, इसमें कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद इसको हम लोग चालू करते हैं। चालू करेंगे तो यहाँ प्राइमरी कूलिंग वाटर, यहाँ सेकेंडरी कूलिंग वाटर इसके अंदर है, इससे पानी बाहर फेंकेगा, जो भी कचरा वगैरह घास तिनका गया होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है प्लस प्लग, यहाँ उसमें भी कहीं खोलना पड़ता है, नीचे खोलना पड़ता कुछ नहीं खोलना है, नीचे वाला नीचे अपने आप ही निकलेगा, पाइप डाल देना है को स्टार्ट कर देना है, जो भी तिनका कुनका निकला होगा इसमें फंसा होगा, इसमें फंसा होगा, उससे होगा वो साफ हो जाएगा। गंदगी पानी में चला होगा, धूल वगैरह बैठ गया होगा अंदर, तो सब उसका तो कचरा कहाँ से निकलेगा, वो जो भी होगा कचरा का निकलेगा नहीं, है ना, प्राइमरी कूलिंग वाटर, सेकेंडरी कूलिंग वाटर, फिर पायलट हॉल से निकल जाएगा, जो भी धूल धाल बैठा होगा वो निकल जाएगा, उसको फिर बाद में और दूसरा बताएंगे हम कैसे निकलता है, ठीक है। जैसे हम ओबीएम चालू करते हैं, तब पुराने वाला ओबीएम चालू करने के लिए हमें ड्रम चाहिए था, बिना ड्रम के चालू नहीं करते थे, इस ओबीएम को चालू करने के लिए आप कनेक्ट कर दीजिए और चालू कर दीजिए, आपको ड्रम की जरूरत नहीं है, नहीं है। पानी से अर्थ लेता है, ठीक है, अर्थ का काम करता है, और छः सात इसमें नोट दिया होगा, बहुत जगह होगा है ना, देखना कहीं बहुत जगह, ये इसका काम यही है, नोट का काम पानी से अर्थ लेना, ठीक है। एनोड देखो इधर भी दिया है, यहाँ भी दिया है, बाकी आपको मिडिल यूनिट में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टेल यूनिट, शीट पिन बताया ना सर, इसको बताया टेल पिन, ऊपर रखोगे ऊपर कर देना, बता रहे अभी आ जाते हैं नीचे सीधे टेल यूनिट में, इसको बोलते हैं ट्रांजम प्लेट, इसको बोलते हैं क्या है, ट्रांजम प्लेट, तो इसकी ये बनाता है, दिशा बनाता है, ये क्या है प्रोपलर, ये है प्रोपलर, ये क्या है घूमते रहता है। उसके बाद प्राइमरी कूलिंग वाटर, ये इधर भी होगा दोनों साइड, नहीं नहीं वो पानी क्या करता है, कूलिंग करता है, यानी खींचता है, यहाँ से खींचता है, और यहाँ से चलाते चलाते क्या होता है, जब आपको पायलट हॉल से पानी बाहर नहीं निकलता है तो क्या करना है, पॉपुलर को ऊपर करना है और देखना है, यहाँ घास पतवार फंस जाता है, इधर पानी सक करता है ना, तो घास पतवार फंस जाता है, एक नीचे भी है, ये प्राइमरी है, नीचे अंदर सेकेंडरी होगा, यहाँ देखना यहाँ एक सेकेंडरी है, दोनों से क्या करेगा पानी को है ऑब्जर्व करेगा, पूरा इंजन को ठंडा करते हुए ये यहाँ से बाहर निकालता है, यहाँ से सॉरी यहाँ से, ठीक है।
ना, ना। उसके बाद इसमें छूट गया था, जो हम लोग क्या करते हैं इंजन ऑयल डालते हैं वो यहाँ से निकालते हैं, क्या करते हैं यहाँ से खोलने के बाद इस प्रकार से ऊपर से निकालना है। ये है मोबाइल का, मोबाइल का ये मोबाइल डालने का, ये पकड़ो हम कुछ और चेक कर रहे थे इसका। अभी क्या है आपको इसमें 3 स्पार्क प्लग है, ये फिल्टर है, कभी भी स्पार्क प्लग खराब होता है तो ये 3 स्पार्क प्लग को खोलना है, इसको चेंज करना होगा, तो यहाँ 3 स्पार्क प्लग को चेंज कर देना, कभी इसमें क्या होता है कारण पकड़ लेता है कि तीनों स्पार्क प्लग खोलो और चेंज कर लो। अगर MY डालना होगा तो यहाँ से डालेंगे, कहाँ से डालेंगे, ये पीला वाला ढक्कन को खोलेंगे, ठीक है। अगर चेक करना होगा तो कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ गेज स्टिक, MY गेज स्टिक बोलते हैं इसको, आपको इसमें दिया हुआ है एरो, यहाँ तक आपका क्या होना चाहिए, MY होना चाहिए, ना ना ये छोटा दिया होगा, नहीं नहीं सही होगा, इंजन तो इसको देखो यहाँ तक है।